चालू करना है, फॉरवर्ड करने के लिए एक्सेस से होकर फाइल में जाएगा। अगर फॉरवर्ड करने के लिए चालू करना है, ये हो गया रिवर्स अगर हो गया फाइल में जाएगा। तो होल्डिंग करने के लिए अपना दोनों यहाँ पर क्लिक किया जाता है, आज चालू हो गया, रिवर्स हो गया। अब इसको फिर फॉरवर्ड करने के लिए बंद बटन दबाना पड़ेगा, दबा दिया। अब रिवर्स बटन दबा रहा, रिवर्स हो गया। अब बंद करके फिर फॉरवर्ड बटन दबाएगा तो ये रिले वाला चालू होगा, चालू हो गया। हाँ, अब बंद करिए। कभी एमरजेंसी केस में क्या करता है ऑपरेटर लोग, दोनों काउंटर, दोनों रिवर्स फॉरवर्ड दोनों चालू कर देता है। कंडीशन में क्या होगा एक बार देख लीजिए। अब मैं दोनों दबा दिया तो क्या हुआ, एक ही कंडक्टर चालू होगा। देखिए, दोनों दबाया तो ओनली रिवर्स कंडक्टर चालू हुआ, बार बार कंडक्टर चालू नहीं हुआ। इसी के लिए इंटरवॉल का काम करता है। अगर अभी फॉरवर्ड कंडक्टर दबा दिया, काम नहीं किया, अभी कंडक्टर चालू हो गया, आपको चालू हो गया तो इसे समय आप रिवर्स कंडक्टर दबाएंगे ऑपरेट नहीं होगा। क्यों? जब तक स्टॉप नहीं करोगे तब तक रिवर्स नहीं होगा। ये सिस्टम में क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स एक ही साथ आप चालू नहीं किया जा नहीं कर सकते। इसके लिए इंटरलॉकिंग का काम आ जाएगा। अभी क्या है, ये बंद कर दिया, अब आपको रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते बंद करने के बाद। ये आपका समझ में आया होगा रिवर्स फॉरवर्ड का टिकट कैसे ऑपरेट करना, रिवर्स का टिकट। कोई डाउट है तो मेरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोग का डाउट को क्लियर करूँगा।